वी ऑल नो दैट इस बार G20 समिट इंडिया में होने वाला और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा इंडिया उठाने वाला। ऑल्सो इंडिया इससे काफी एडवांटेजेस भी ले सकता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल स्तर पे सारे कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया की बात सुनेगी बल्कि उस पे अमल भी करेंगे। बट सवाल ये आता है दैट इस G20 समिट में इंडिया क्या एडवांटेजेस ले सकता है और अदर कंट्रीज क्यों इंडिया की बात पे अमल करेगी। वेल, ऑल दिस क्वेश्चन विल नो इन दिस वीडियो। बट उससे पहले हम मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि आखिर G20 क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। G20 वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है जिन्हें चलाने वाले 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। G20 का बॉर्न वैसे तो 1999 में हुआ था बट उस टाइम इसे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। बट 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसे G20 समिट की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड में बहुत ही बढ़ गई। एक ऐसा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया और उसके बाद फिर सबसे पहली G20 समिट होती है Washington DC में एंड देन टाइम बाय टाइम G20 काफी पावरफुल बनते चला गया। G20 ग्रुप से पहले एक दूसरा ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था G7। आई नो आप G7 से वेल अवेयर होंगे जिनमें मेनली डेवलप देशों का नाम था। G20 की पावर आप इससे लगा सकते हैं कि ये दुनिया का 85% GDP और 75% तक का वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं के पास है। तो ऑफ कोर्स G20 समिट को काफी ज्यादा सीरियसली लेना दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए ये जानते हैं दैट इंडिया ऐसा क्या अचीव कर लिया सो दैट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इंडिया की बात पे अमल करेगी और इंडिया का क्या एडवांटेजेस है। इंडिया अब वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर देश बन चुका है। इससे पहले की अगर बात करें तो अदर कंट्रीज इंडिया को बस इन रीजनों की वजह से जानती थी, भूखमरी, गरीबी, करप्शन एंड कम्युनल राइट्स। दुनिया ने हमें कभी एक कॉम्पिटेटिव फोर्स की तरह नहीं देखा। आप किसी भी फॉरेन मैगजीन को देख लो, वहां पे आपको यही देखने को मिलेगा दैट वो इंडिया की बुराई ही कर रहे हैं। हमने मार्च तक का सफर सबसे सस्ते पैसों में करा। इसके अलावा हमारा बैंकिंग सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। डिजिटलाइजेशन में हम नंबर 1 पे हैं। हमारा आधार योजना भी देखें जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करके रहती है, ये भी दुनिया किसी को नहीं बताती। बट हम लड़ते कैसे हैं, करप्शन कितना ज्यादा होता है, ये दुनिया बखूबी दिखाती है। बट आई थिंक थैंक्स टू मिस्टर मोदी जिनकी वजह से आज हम दुनिया में एक कॉम्पिटिटिव फोर्स उभर कर आए हैं और अब हमें दुनिया नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड अब इंडिया को लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ द हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ द लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। इतना ही नहीं, कुछ और ऐसे अमेजिंग थिंग है जैसे कि हमारी इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली की अगर एक रिपोर्ट देखें जिनमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उनकी रिपोर्ट ये कहती है दैट हमारी इकोनॉमी इतनी बूम करेगी कि 2027 तक हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होंगे इकोनॉमी में। इसका मतलब हम जापान और जर्मनी को भी पीछा कर सकते हैं बाय थ्रू 2030। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ये भी है दैट हमारी GDP 2031 तक डबल हो सकती है जो कि अप्रोक्सीमेटली $7.5 trillion हो जाएगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है जिनमें वो ये कहते हैं दैट दिस ईयर इंडिया के लिए काफी स्ट्रांग होगा। ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाई, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो आगे बनेगी ही बट इसके साथ हमारी इकोनॉमी आउटपुट ग्रोथ $400 billion हो जाएगी ऑनवर्ड 2023 और 2028 तक इट्स राइज अप टू $500 billion। इसका मतलब 2028 तक हमारी GDP की ग्रोथ 11% तक होगी। अब अगर वही हम US और चाइना की बात करें तो 2022 तक की US GDP इंक्रीज की थी 2% तक और 2023 की रिसेशन की वजह से 0.2% बताया जा रहा और 2024 आने तक 1.7% तक की इंक्रीज बताई जा रही। वही चाइना को कंपेयर करें जो एक ग्लोबल लीडर है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, वो ओनली 3% तक का ग्रोथ एस्टिमेट किया जा रहा। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 2023 से 2024 के एंड तक 6.6% तक इंक्रीज कर जाएगी। गाइस, इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको रिमाइंड करना जरूरी है कि कभी भी इकोनॉमी में स्लो डाउन तभी होती है जब लोग काम कम करते हैं, प्रोडक्शन कम होता है, कंज्यूमर डिमांड कम होती है जिससे कंपनी कम पैसे बना पाती है और ये चीज डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है जिससे ऑब्वियसली इकोनॉमी में डाउनफॉल होता है। सो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा जॉब क्रिएट करनी होगी, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और कंज्यूमर डिमांड्स भी। और इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इंडिया में काफी सुधार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी और हम भी डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन के अंदर बढ़ने लगेंगे। एंड गाइस, ये थी ओवरऑल इंडिया की अचीवमेंट। अब चलिए ये जानते हैं दैट इंडिया इस G20 समिट में किन किन मुद्दों पे बात करने वाला है, इसके साथ इंडिया को क्या एडवांटेज हो सकता है इस G20 समिट से। गाइस, ये वीडियो का एंड पार्ट है और अगर आप मेरा वीडियो अभी तक वॉच आउट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। भारत ने 200 से ज्यादा इवेंट करने की योजना बनाई है जो 50 से भी अधिक सिटीज में की जाएगी। इंडिया ने इस G20 समिट में एक साफ इशारा किया है दैट वो एनर्जी सेक्टर और टेररिज्म को रोकना ये सबसे बड़ा मुद्दा है और एजेंडा भी है। एंड इंडिया ने तो इसे दुनिया के सामने इसे कैसे रोकना या निपटने का पूरा रोड मैप क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा इंडिया LPG लिक्विड पेट्रोल
पेट्रोलियम गैस सब्सिडीज के ऊपर भी बात करेगी। वी ऑल नोज दैट एलपीजी इंडिया के हर घर के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास कुकिंग फ्यूल पे डिपेंडेंट है, बट गैसोलिन की डेडलाइन कब तक है ये मेंशन हुई ही नहीं है और इस पे भी इंडिया बात करने वाली। इसके अलावा इंडिया इनोवेशन और फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भी बात करेगी। इंडिया दुनिया के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रोथ ड्राइवर बनाना चाहती है जिससे इनोवेशन लगातार होते रहे, और इस G20 के ईच नेशन के सर्कमस्टेंस को प्लान करने के लिए एक नए योजना के रूप में इनोवेटिव ग्रोथ के लिए एक G20 ब्लूप्रिंट के लिए एग्री की है, जो पूरे दुनिया और इंडिया के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इंडिया कॉम्बैट बेस्ड इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल्प लिए। इतना ही नहीं, इंडिया ने नॉन G20 नेशन में BEPS पर अंकुश लगाने की कदमों की जोरदार वकालत की। वेल गाइस, ये थे वो मुद्दे जिसपे इंडिया G20 समिट में बात की और आगे भी करेगा, और इसका पूरा एडवांटेज इंडिया को ही मिलेगा। इतना ही नहीं, 50 से भी ज्यादा शहरों में इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे ही होगी और टूरिज्म सेक्टर भी इंक्रीज करेगी, और इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया की ओर अट्रैक्ट होंगे, जिससे ओवरऑल इंडिया को ही इससे फायदा होगा। वेल, इसमें आप क्या क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ में वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो मेक श्योर करें वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।